समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कल हमारी चर्चा हो रही थी खुशी पे, और कहा जाता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और गम जैसा कोई मर्ज नहीं है। यदि आप खुशी की खुराक लगातार खाते रहते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, और साथ ही सभी लोग आपके आसपास मंडराना चाहते हैं। जैसे एक खुशबूदार फूल की तरफ भौरे मंडराने लगते हैं, वैसे ही लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं कि क्या कारण है कि ये व्यक्ति इतना खुश है। और आपसे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भी लोगों को प्राप्त होते हैं, लोगों को समाधान आपसे प्राप्त होता रहता है। लेकिन कल की चर्चाओं में एक बात निकल के आई थी मित्रों, कि हमारी अपेक्षाएं, हमारी कामनाएं कहीं ना कहीं हमारी खुशी को गुम कर रही हैं। किसी ने कहा है कि यदि आपकी अपेक्षाएं 100 हैं तो आपकी खुशी 0 रहेगी, और यदि आपकी अपेक्षाएं कामनाएं 0 हैं तो आपकी खुशी 100 होगी। कितनी सुंदर बात कही है ना, कि यदि अपेक्षाएं ज़्यादा हैं तो खुशी हमारी गुम होती रहती है, और यदि इसे हम कम करते चलते हैं हमारी खुशी बढ़ती चली जाती है। शायद यही कारण है कि गीता में भगवान ने भी ये बात कही है कि अपेक्षाएं और कामनाएं ही सभी दुखों के कारण हैं। तो क्यों ना इस दुख के कारण को हम दूर करें और अपने आप को खुशहाली की ओर ले चलें। तो आज की चर्चा को इसी पर केंद्रित रखेंगे। आइए पहले स्वागत करते हैं आदरणीय प्राता जी का। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। खुशी की तलाश में प्राता जी हम निकल पड़े हैं, और चाहते हैं कि हम, हमारे सभी दर्शक, सारा संसार खुश हो। इसमें आपने जो बात कल कही थी कि अपेक्षाएं कहीं ना कहीं हमारी खुशी को छीन रही हैं, उस पे आज मैं प्रकाश चाहूंगा आपसे। देखिए, खुशी की तलाश में निकल पड़े तो मंजिल मिल ही जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। जी, खुश रहना मनुष्य का स्वभाव ही है, ना खुश रहना उसे पसंद नहीं है। जी। दूसरे को भी जब वो देखता है कि ये व्यक्ति खुश नहीं है, परिवार में लीजिए, माँ बाप यदि देखें उसका कोई बच्चा खुश नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जी। हम सब एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। कहीं कहीं मनुष्य आजकल थोड़ा निगेटिव हो गया है कि दूसरों को खुश देखकर वो खुश नहीं रहता है, परंतु हम अपेक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें, एक्सपेक्टेशंस। जी। पहली बात जिस पे हमें ध्यान देना है वो ये है कि जो बहुत एक्सपेक्ट करता है वो सदैव प्यासी नजरों से दूसरों की ओर निहारता है, यानी वो एक तरह से बेगर बन जाता है। उसको हमेशा एक इच्छा बनी रहती है, ये व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करे, ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे, ये मेरी भी तो सुने, ये मेरे लिए भी तो कुछ करे। एक प्यासी भावना, एक मांग सदैव रहती है, और मांग हमेशा मनुष्य को भिखारी बनाए रखती है, उसे कमजोर कर देती है, उसे सेंसिटिव कर देती है। तो इस तरह मनुष्य अपनी खुशी की लगाम दूसरों के हाथ में दे देता है। लेकिन जो बुद्धिमान हैं और जो ज्ञानवान हैं, जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान मिला है, देखिए
ज्ञान मिलते ही, रोज सवेरे उठते ही उनकी झोली तो खुशियों से भर जाती है। जिनको भगवान मिल गया उन जैसा खुश नसीब तो कोई भी नहीं है। तो मनुष्य को जो ज्ञानवान है दूसरों की ओर प्यासी नजरों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, कुछ देने की भावना से देखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इस पर सभी भाई बहने विचार करेंगे कि हम अपनी खुशी की लगाम दूसरों के हाथ में कदापि न दें। वो जब चाहे हमें खुश कर दें, जब चाहे हमारी खुशी छीन लें, जब चाहे हमें रुला दें, जब चाहे हंसा दें, ये हमारी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट, सेल्फ कंट्रोल। तो खुशी हम अपना स्वभाव समझ लें, और जैसे शांति हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा स्वभाव है, पवित्रता हमारी ओरिजिनल नेचर है, वैसे खुश रहना भी हमारा स्वभाव है। हम इसको दबाएंगे नहीं, और एक संकल्प कर लें सभी आज मिलकर कि हमें खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, और अपनी इन एक्सपेक्टेशंस को कम करते ही चलना है। जी जी जी। लेकिन भ्रता जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, अपने संबंधियों के बीच, मित्रों के बीच रहता है, तो एक नेचुरल सी बात होती है कि यदि मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ तो बदले में कुछ चाहता भी हूँ, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जब ये चीज़ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो यहाँ कैसे किया जाए, क्योंकि ये बात रहती है कि यदि मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हूँ तब तो मैं वो कामना नहीं रखता, लेकिन मैं उतना एम्पावर्ड नहीं हूँ स्पिरिचुअली तो मेरी कामना तो बनी ही रहती है। ये कामना वास्तव में मनुष्य की कमजोरी की ही पहचान है जी। और हमें तो ईश्वरीय महावाक्यों में शिव बाबा ने ये बता दिया, कामनाएं तुम्हें निरंतर कमजोर बनाती चलती हैं, लेकिन हमें अपने को सशक्त तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि दूसरों की ओर हम सदा ही प्यासी नजरों से न देखें। ये सत्य है कि मनुष्य जब कुछ करता है वो कुछ चाहता है अवश्य जी जी। लेकिन मुझे महाभारत की कर्ण के एक प्रसंग की बात बहुत अच्छी लगती है कि जब इंद्र उनसे कवच और कुंडल मांगने आता है, और कवच कुंडल के बाद इंद्र कहता है कि अब आप मुझसे कुछ मांग लो, तो कर्ण बहुत सुंदर जवाब देता है, कुछ देकर कुछ मांगना ये दान की मर्यादा के विरुद्ध है, मेरे को तब से याद रही है, डायलॉग बहुत सुंदर था। तो सचमुच हम कुछ देकर कुछ लेना तो चाहते ही हैं, ये ह्यूमन मेंटेलिटी हो गई है। जी जी। लेकिन थोड़ा इससे बाहर आ जाएं, देखिए हम रोज देख सकते हैं, हमने यदि बहुत अच्छा भाषण किया तो हम चाहेंगे 10-20 लोग आकर अप्रिशिएट अवश्य करें, अगर कोई भी नहीं करता तो थोड़ा सा उदास से बाहर निकलते लगता है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। भले ही लोग वो इतने गंभीर हो गए हों, शांत हो गए, अंदर से बहुत प्रसन्न हो और वो मन ही मन अप्रिशिएट कर रहे हों, लेकिन शब्दों से नहीं कर रहे हैं, तो लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई और खुशी कम होती नजर आएगी जी, जी। लेकिन यहाँ श्रीमद् भगवत गीता हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, कर्म करो फल को परमात्मा अर्पण कर दो, कर्म करो फल की कामना न करो। लेकिन फल की कामना तो होती ही है, लेकिन फल की कामना न करो ये इस तरह होगा कि हम ये जानते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा है ही, उसमें कामना की आवश्यकता ही नहीं है। हमने पानी पिया है, हमारी प्यास बुझ रही है, वो सत्य है, वो उसका परिणाम है। तो हम ऐसा अपने को बना लें, अपनी मेंटलिटी तैयार कर लें कि कर्म करें और हम खुश हों। देखिए मान लो एक व्यक्ति भाषण ही कर रहा है और वो बहुत आनंद विभोर होकर कर रहा है, तो श्रोता आनंद विभोर होंगे ही, यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए उसको इस चीज की आवश्यकता भी नहीं कि लोग उसे अप्रिशिएट करें। फिर भी एक मनुष्य को अच्छा लगता है कि उसे अप्रिशिएट करें, और लोगों की भी अच्छी मेंटेलिटी है कि वो कुछ करने के बाद ये अवश्य कहते हैं कि हाँ वाह बहुत सुंदर हुआ, हम बहुत प्रसन्न हुए। ये ह्यूमन नेचर भी है, मैंने विदेशों में देखा, वो तो कुछ भी हो ये कहेंगे लवली, थैंक यू वेरी मच। 10-20 लोग तो आएंगे ही, अब हम प्रोग्राम करते थे जी जी। तो बहुत सारे लोग आ ही जाते थे बाद में, और कई अपनी मुस्कान से दिखाते थे वाह मजा आ गया आज तो। लेकिन मैं देखता था कि क्या ये सुनकर मैं खुश हूँ या मैं खुश हूँ ही पहले से, मैंने खुशी से ही अपना प्रोग्राम शुरू किया है और मेरा लक्ष्य खुशी बांटना है, और रिटर्न में खुशी के वाइब्रेशंस तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये माहौल से प्रतीत होता था, जैसे मैंने सुनाया था कि यूके में
साउथ हॉल एक जगह है, वहाँ के एमपी भी हमारे प्रोग्राम में आए थे और 400 भाई बहने थे, बहुत भीड़ हो गई थी और प्रोग्राम कुछ ऐसा ही था, बहुत अच्छा टॉपिक था, उसमें खुशी भी जुड़ी हुई थी। तो जब प्रोग्राम हुआ तो यद्यपि किसी ने आकर बाद में ये नहीं कहा बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था, लेकिन उनके जो माहौल था ना लास्ट में आनंद का, वो उठ रहे थे, ऐसा आनंद का माहौल हो गया था कि हम सब जो ऑर्गेनाइजर थे सेंटर वाले उनको भी लग रहा था कि आज तो आनंद आ गया। तो हमें लगा कि हमारे प्रोग्राम की बहुत अच्छी सफलता हुई, यद्यपि किसी ने मुख के द्वारा ज्यादा उसकी महिमा नहीं की थी, लेकिन लोगों ने फटाफट बुकिंग प्रारंभ की, हम 7 डेज कोर्स करेंगे, हम राजयोग का कोर्स करेंगे। तो अगर हम कामनाओं का त्याग कर देते हैं तो ये सत्य है कि रिजल्ट डबल मिलता है, ये भी एक सुंदर फिलोसोफी है इसके पीछे। और कामना रहित होने से हमारे कर्तव्यों में बहुत बल भी आ जाता है और हमारे कर्म बहुत पुण्य भी हो जाते हैं। मान लो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर धर्मशाला बनवाई, आजकल तो धर्मशालाओं का समय चला गया, होटलों का समय आ गया है, पर मान लो एक बहुत सुंदर कॉलेज बनाया और या एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया, अखबारों में भी छप गया, बाहर भी लिखा गया मार्बल पे फलाने का है, उसका नाम आ गया या उसने इतना दान किया, बहुत अच्छा कार्य हुआ। लेकिन मान लो कॉलेज में परिणाम उतने सुंदर नहीं हुए, एडमिशन बच्चे कम ले रहे हैं या रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो जो बनाने वाला है उसकी खुशी चली जाएगी, बड़ी नेचुरल सी बात है। अब इसमें खुशी न खोकर उन चीजों को करेक्ट करना जहां गड़बड़ हो रही है, मनुष्य को ये करना चाहिए, बस ये हमें सोचना है। एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे कई भाई बहने सोचते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, क्या आप लोग कहते हैं नो एक्सपेक्टेशन, लेकिन मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि मेरे 95% मार्क्स आए, तो ये गलत है क्या? तो इसका उत्तर ये है, इसको एक्सपेक्टेशंस नहीं कहा जाता, इसको लक्ष्य कहा जाता है, टारगेट कहा जाता है, और हाईएस्ट टारगेट मनुष्य का होना ही चाहिए। लेकिन जैसे अब एक पेपर हो रहा है एग्जामिनेशन में और बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जो एक्सपेक्टेड हैं, जो गैस पेपर में आए हुए थे और लेकिन उस अनुसार नहीं आए, तो देखो क्या गड़बड़ होती है। इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी चाहिए और लक्ष्य बहुत महान बनाना चाहिए और उसको पूर्ण करने के लिए खुशी से अपने को डेडिकेट कर देना चाहिए, उसमें उतार देना चाहिए। तो इसको एक्सपेक्टेशंस नहीं कहते, इसको बहुत ऊंचा लक्ष्य कहते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने बात यह है कि मान लो ये कहा था, ये लक्ष्य रखा था कि 95% मार्क्स आने चाहिए और बिल्कुल बिल्कुल था कि आएंगे, लेकिन मान लो एक दूसरे स्टूडेंट के, इनके तो 95% आ गए लेकिन उसके 95.2% आ गए, अब यहाँ क्या होता है? तो इसकी जो खुशी थी वो खोने लगी, लोग कहेंगे अरे फर्स्ट पोजीशन उसकी आ गई, इसकी सेकंड पोजीशन है, उसको गोल्ड मेडल, इसको सिल्वर मेडल। तो देखिए टारगेट बहुत ऊंचा, मार्क्स बहुत हाई, लेकिन खुशी गुम हो जाना, लेकिन नहीं, इसमें उसको खुशी गुम नहीं करनी चाहिए, उसको इसको एंजॉय करना चाहिए और दूसरे को भी जिसकी 0.2% ज्यादा मार्क्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वाह तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मैंने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत मेहनत की, हम दोनों ही आज प्रशंसा के पात्र हैं और हम दोनों ही बहुत खुश हैं। तो उसको भी खुशी दे दो, अपनी खुशी को भी कायम रखो, तो देखो खुशी बढ़ती जाए। जी जी, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ लेना ये बहुत बड़ी बात है, इसे हम खुद ही दुखी नहीं होते। प्रताप जी, इस बात पे मैं आने ही वाला था, कई विद्यार्थी सचमुच बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना आना चाहिए और ये जो एक्सपेक्टेशन है उनकी कई बार उन्हें बहुत ज्यादा दबाव में ले आती है, कई बार बहुत ज्यादा परेशान भी करती है क्योंकि वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है लेकिन ये अपेक्षा कई बार उन्हें वैसा भी परफॉर्म नहीं करने देती जैसा वो परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशंस तो मनुष्य को होंगी ही और बच्चों को भी होनी चाहिए, सुंदर लक्ष्य भी रखना चाहिए तो एक्सपेक्टेशंस भी रखनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य है वो पूर्ण तो तभी होगा ना जब हम सब कुछ अच्छा करेंगे। लक्ष्य हमने बहुत अच्छा रख लिया हो और हमारी तैयारी या परफॉर्मेंस या एग्जाम के समय हम घबरा ही गए हों तो लक्ष्य हमें नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे हम बिजनेसमैन का उदाहरण दिया करते हैं कि दिवाली का त्योहार है
अभी दुकान बहुत अच्छी चलती है, बर्तनों की दुकान है या ज्वेलरी की दुकान है और उनकी बहुत अच्छी चलेगी। हर साल उनको 10 लाख रुपए मिलते थे, प्रॉफिट होता था। इस बार उन्होंने सोचा हम 12 लाख का प्रॉफिट करेंगे, लेकिन मान लो 10 लाख हुआ तो वो व्यक्ति उदास होता है कि 2 लाख का लॉस हो गया। पत्नी पूछती है क्या बात है आज क्या हुआ, 2 लाख का लॉस हो गया। कहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ कि हाँ 10 लाख का हुआ पर हमने 12 चाहा था ना। तो अरे भाई 10 लाख को एंजॉय तो करो, चलो 2 लाख फिर आगे निकल जाएगा। तो ये ऐसी चीज है कि एक्सपेक्टेशंस रखना या ध्येय रखना सुंदर बात। बिना ध्येय के, बिना एक्सपेक्टेशंस के तो जीवन चलता ही नहीं ना। जी, जी, यात्रा जी, का लक्ष्य ही वो है। लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके उसको एंजॉय करना और आगे के लिए तीव्र वेग से आगे बढ़ना, देख लेना कहाँ गड़बड़ हुई, एनालिसिस कर लेना और पुनः और अच्छी उमंग उत्साह से आगे बढ़ना। कई बच्चों में इसके बारे में काफी कुछ निराशा आती है, जैसे CA के एग्जाम में, IAS के कंपटीशन में, MBA में या MTech में या गेट क्लियर करने में, नेट, आजकल बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो कई बच्चे 3 साल प्रयास करते हैं, भाई फाइनल CA का हो ही नहीं रहा, 5 बार प्रयास हो चुका है, अब क्या करूं, बहुत निराश होते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कुछ बच्चे निराश नहीं होते, लगे रहते हैं और लगे रहने से आखिर 6ठी बार क्लियर कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है और जब उनको तब जो खुशी होती है वो बहुत ज्यादा है। और 5 बार की असफलता से उनका अनुभव और इतना सुंदर हो जाता है जो आगे जब वो फील्ड में हैं उनको बहुत काम आता है। इसलिए हर चीज को पॉजिटिव ले। स्टूडेंट के लिए भी यही है कि मान लो कहीं उतने मार्क्स नहीं आए, असफलता भी हो गई, थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, क्योंकि एग्जाम में रिजल्ट कई बातों पे डिपेंड करता है। मैं तो हंसी में कहा करता हूँ कि जो व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है उसका मूड क्या है उस दिन, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अब वो परेशान है किसी बात से तो कॉपी चेक करने में वो कुछ का कुछ नंबर देगा, पढ़ेगा भी ध्यान से नहीं, थोड़ा सा पढ़ेगा ऐसे ही करेगा। तो यहाँ भी बच्चों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है उसको तो इस बात का ख्याल नहीं है कि मेरा मूड अनेक बच्चों के भविष्य को, किसी को बिगाड़ सकता है, किसी का सुधार सकता है, उसको भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक्सपेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, उस अनुसार मेहनत करना, लेकिन अगर परिणाम में कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसको सहज स्वीकार करके पुनः आगे बढ़ना, इस मेंटेलिटी की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक पॉजिटिव रूप से इसे रखना अपने पास बहुत आवश्यक है और फिर सहज स्वीकार कर लिया जाए। कथा जी, जहाँ तक संबंधों की बात आती है, हमारे मित्र संबंधी हैं या अपने ही घरेलू संबंधी हैं, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती ही हैं एक दूसरे से। यहाँ पे चलिए मैं अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन सामने वाले यदि मुझसे बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी संबंध ऊपर नीचे होते हैं, खुशी कहीं ना कहीं मेरी या उनकी गुम होती है। घर घर में इसके अनेक दृश्य देखे जा सकते हैं। एक लड़की की शादी हुई है, वो अपने ससुराल में पहुंची है, ससुराल वाले उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ उनके अनुकूल करें, अभी ये तो संभव ही नहीं होता। इसमें मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को जो एक्सपेक्ट कर रहा है और जो उनके एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण कर रहा, दोनों को ही मेंटली इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण कर पाए। इसलिए एक्सपेक्टेशंस रखने वालों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, भाई बहू यही सब काम करे, मेरा पति यही सब काम करे, पति वैसे ही चले जैसे मैं चाहती हूँ, अब पति किसी और से बात न करे, ये ऐसी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी खतरनाक नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, नहीं मैं इनको खतरनाक एक्सपेक्टेशंस कहता हूँ। ये अनेकों के जीवन को नष्ट किए जा रही हैं, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आते रहते हैं। कई लड़कियां कहती हैं मेरा पति मात्र स्नेही है, जो माँ कहे वैसे ही नाचता है, मेरी कुछ नहीं सुनता, ये दुखी। और दूसरा केस आता है, सास कहती है मेरा लड़का जब से बहू आई है उसका गुलाम हो गया है, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया पैदा किया है, वो इससे दुखी रहती है। तो थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है और कोशिश करें दूसरों की अपेक्षाओं पे खरे भी उतरें, दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, जब हम नहीं कर पा रहे होते हैं
हमारी खुशी गुम हो रही होती है व्रता जी, चलिए मैं नहीं करता, ये वाली स्थिति ज्यादातर जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके अंदर होती है कि चलिए मैं पूरी कोशिश करूं कि सबको संतुष्ट करूं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली की अपेक्षाएं बहुत 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 ज्यादा होती हैं, तो वो मेरी खुशी को हरती रहती है। एक हम अच्छे बड़े संगठन में रहते थे और हमारा फील्ड भी ऐसा था कि हमें सबको संतुष्ट करना ही चाहिए भोजन से, लेकिन भोजन में हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है। हमारे यहाँ तो अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए, अलग अलग स्वाद के लोग आए हुए हमारे यहाँ। अभी हर व्यक्ति जैसा भोजन उसने बचपन से खाया है वैसा ही भोजन खाना चाहता है, बड़ी नेचुरल सी बात है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और भोजन एक सा बनता है तो सब उस तरह से संतुष्ट नहीं भी हो पाते। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से संतुष्ट किया जाए। भाई एक चीज उनकी स्वाद के अनुसार बने, दूसरी चीज उनके, कभी उनका भोजन बन जाए कभी उनका, कभी महाराष्ट्रियन भोजन बन जाए कभी गुजराती बन जाए तो कभी पंजाबी बन जाए, हम इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी हम ये लक्ष्य अवश्य रखें, अगर सब संतुष्ट नहीं हो रहे तो हम असंतुष्ट ना हो जाएं। हम अपनी खुशी को न खोएं, तो इससे व्यवहार में एक परिवर्तन आएगा। नहीं, हम अपने प्रयास चालू रखें लेकिन अपनी खुशी को खोएं नहीं, और विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे बोल ऐसे न हो जो दूसरों की खुशी को नष्ट करें। इससे बहुत ज्यादा आवश्यकता इसकी हो जाती है। मतलब जब हमारे जो परिजन है, या कह लें कि हमारे माता पिता या फिर हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, जब वो बुजुर्ग होते हैं और साथ ही अब ये कह लें कि बीमार हो जाते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं भी काफ़ी बच्चों से होती हैं कि ये हमारे पास पास रहें, ये रहें, और जब वो पूरी नहीं होती तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये जो खुशी गुम होने वाली स्थिति होती है वो पैदा होती है। क्या करें, बहुत प्रैक्टिकल बात है जी, होती ही है, क्योंकि कामनाएं भी बुजुर्गों की ज्यादा होती है, बुजुर्गों की मेंटेलिटी अनेक तरह की हो जाती है, कभी कभी वो बहुत अकेलापन फील करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनके पास रहे, कोई उनसे बैठे, कोई उनसे बात करे, कोई उनके पैर दबाए। लेकिन बच्चों का अपना परिवार, उनके अपने काम धंधे, कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन कई बच्चे करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है हॉस्पिटलों में हम जाते हैं, अभी भी हम गए यूके में भी हम गए कई जगह हॉस्पिटल्स में, तो हमने देखे यंग भारतीयों के यंग जो बच्चे थे अपनी बुजुर्ग माँ को बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, रोज आते हैं, किसी की ड्यूटी लगाई हुई है, भाई रोज 4 घंटे तुम वहां जाकर बैठोगे, माँ से कुछ बातें करते रहोगे, उन्हें कुछ सुनाते रहोगे। मुझे बहुत खुशी होती थी कि देखो भारतीयों की ये मेंटेलिटी, उनकी जो कल्चर है ये कितनी महान है। मैं तो कहूंगा इसको बढ़ाते रहें, थोड़ा थोड़ा समय अपने बुजुर्गों को अवश्य दें, क्योंकि आखिर उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, समय भी दिया है, तो उनकी कामनाएं तो बिल्कुल उचित हैं। बुजुर्ग में एक मानसिक स्थिति दूसरे ढंग की मनुष्य की होती है, जिसकी चर्चा हम करते रहते हैं, लेकिन बच्चों को या पोत्रों को उनको समय देना चाहिए, उनके साथ बैठें। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ओम शांति या हाय हेलो कर लेने से आपकी तबीयत कैसी है, कुछ दवा ला दूं या कुछ फ्रूट्स लेके चले जाएं, तो इससे ही उनको काफी संतुष्टि हो जाती है और उनको लगता है कि हाँ ये ध्यान रखते हैं। प्रति जी, अध्यात्म इसमें कैसे मददगार साबित होगा कि हम अपनी अपेक्षाओं को, कामनाओं को कम करते जाएं या दूसरों की भी अपेक्षाओं, कामनाओं को पूरा कर पाएं? देखिए, सत्य तो ये है कि जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे चलता है, जो परमात्मा से अपना लिंक जोड़ लेता है, उसको ऊपर से इतनी सुखद फीलिंग होती है, आत्मसंतोष इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसको ईश्वरीय प्यार इतना ज्यादा मिल जाता है, उसकी आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगती हैं, तो स्वतः ही वो भरपूर रहने लगता है, उसे किसी की ओर प्यासी नजरों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो दाता बन जाता है। तो मैं तो सबको कहूंगा अब स्पिरिचुअलिटी अपना कर अपने प्यार को बढ़ाएं, अपनी शांति को बढ़ाएं, अपनी खुशी को बढ़ाएं, अपनी इनर पावर्स को बढ़ाएं, ताकि आप दाता बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सुंदर संदेश आपने ब्रता जी दिया है, और अध्यात्म पे ही आकर के हमारी गाड़ी रुकती है कि यही सचमुच सबको ठिकाने तक ले जाने वाला है, सबको सुकून प्रदान करने वाला है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच अपेक्षाएं जीवन में दुख को जन्म देने वाली हैं, इसीलिए अपनी अपेक्षाओं को हम कम करते चले जाएं। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क हैप्पीएस्ट कंट्री है, और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ लोगों की अपेक्षाएं बहुत कम हैं, ऐसा सर्वे कहता है।
और सचमुच मित्रों ये बहुत सुंदर बात है ना कि यदि हम दूसरों से कोई अपेक्षाएं नहीं रखते हैं तो मन बहुत हल्का होता है, शांत होता है। और साथ ही जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो भी हम दे रहे होते हैं और हमें खुशी प्राप्त होती रहती है। और इसमें अध्यात्म बहुत मददगार होता है। कहते हैं कि जो इतिहास है वो ये कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि मन यदि सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है, खुशी है। तो अध्यात्म वास्तव में हमें सुख प्रदान करने वाला है, खुशी देने वाला है, भरपूर रखने वाला है और साथ ही दूसरों की अपेक्षाओं, कामनाओं को पूर्ण करने में भी हमें सक्षम बनाने वाला है। तो क्यों ना हम सब मिलकर अध्यात्म की ओर बढ़ें, अपने आप को एम्पावर करें और दूसरों को भी सुख, शांति और आनंद प्रदान करते चलें। बने रहेगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।